स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सोलर हाउस हीटिंग के बारे में. सोलर हाउस हीटिंग जो है, अगर हम इसकी बात करें तो इसमें क्या चीज़ इस्तेमाल होती है? इसमें इस्तेमाल होती है सूरज की रोशनी, यानी कि सूरज की रोशनी जो कि ज़मीन की सतह तक पहुंचती है, अर्थ सरफेस तक पहुंचती है, उसे कहा जाता है सोलर एनर्जी. और यही जो सोलर एनर्जी है, इसको इस्तेमाल किया जाता है मुख्तलिफ़ किस्म के कामों में. और सोलर एनर्जी की अगर हम बात करें कि सोलर एनर्जी को इस्तेमाल करने की ज़रूरत जो है वो क्यों पेश आई है, तो बहुत सारे जो हमारे इर्द गिर्द काम हो रहे हैं उसके लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है. और एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है, जैसे कि जो हम घरों में रोशनी हमारे होती है, जो बल्ब्स और ट्यूब लाइट्स ऑन होते हैं, वो भी किस वजह से हैं? एनर्जी की वजह से. और मुख्तलिफ़ किस्म की जो मशीन्स, वॉशिंग मशीन्स वगैरह हम इस्तेमाल करते हैं, उसमें भी एनर्जी इस्तेमाल होती है. तो एनर्जी की जो डिमांड्स हैं उनको फुलफ़िल करने के लिए, यानी कि उनको पूरा करने के लिए, अब सूरज की रोशनी से जो एनर्जी हासिल होती है, जिसे सोलर एनर्जी कहा जाता है, उसे इस्तेमाल किया जाता है. और ये जो सोलर एनर्जी है, इसे किन किन चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है, अगर हम उसकी बात करें तो इसे इस्तेमाल किया जाता है सोलर वाटर हीटर में. इसके अलावा इसे इस्तेमाल किया जाता है सोलर कुकर में. अब सबसे पहले जो है वो हम बात करते हैं सोलर वाटर हीटर के बारे में. सोलर वाटर हीटर जो है, यहाँ पे जो आपको नज़र आ रहा है, ये सोलर वाटर हीटर है. और इसमें क्या होता है कि ये एक ऐसा हीटर होता है जो कि घरों के ऊपर नस्ब किया जाता है, यानी कि इंस्टॉल किया जाता है. और इसका काम क्या होता है? इसकी मदद से, इसकी वजह से जो सूरज की रोशनी होती है, यानी कि जो सनलाइट होती है, उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है, या फिर हम कहते हैं कि उसको तब्दील कर दिया जाता है. और उसको जब तब्दील करते हैं तो उससे क्या चीज़ पैदा होती है? उससे पैदा होती है हरारत, यानी कि हीट. और ये जो हीट है, इसकी मदद से क्या होता है? पानी, यानी कि वाटर को गर्म किया जाता है. तो सोलर वाटर हीटर जो है, ये एक ऐसा हीटर होता है जिसकी मदद से हम पानी को गर्म करते हैं सूरज की रोशनी की मौजूदगी में. अब यहाँ पे जो है, ये पूरा तरीका जो है वो दिखाया गया है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सोलर कलेक्टर्स जो हैं वो नस्ब होते हैं. सोलर कलेक्टर्स जो हैं, ये ऐसे डिवाइसेस होते हैं, ऐसे आलात होते हैं जो कि सूरज की रोशनी जब इनके ऊपर पड़ती है तो ये इसको जज़ब करते हैं. और ये जो सोलर कलेक्टर्स होते हैं, ये अटैच होते हैं कोल्ड वाटर सप्लाई से, यानी कि जहाँ पे ठंडा पानी मौजूद होता है, ये उसके साथ अटैच होते हैं. और जब सोलर पैनल्स जो हैं, ये क्या करते हैं, जब ये सूरज की रोशनी को जज़ब करते हैं, तो इन पाइप्स के ज़रिए क्या होता है कि जो पानी जो है जहाँ पे मौजूद होता है, वो इस सूरज की रोशनी की वजह से गर्म हो जाता है. और ये जो पानी जमा होता है, इसको बाद में गर्म होने के बाद इसको जमा कर दिया जाता है कलेक्टर में, यानी कलेक्टर जो है वहाँ पे इस गर्म पानी को जमा कर दिया जाता है, ज़खीरा कर दिया जाता है. और यही जो गर्म पानी है, इसको बाद में इस्तेमाल किया जाता है मुख्तलिफ़ किस्म के कामों के लिए, यानी कि इसको जो कमरे हैं उनको गर्म करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है. और यही जो गर्म पानी है, इसको वॉशिंग पर्पसेस के लिए, यानी कि धोने के कामों के लिए, जैसे कि कपड़े वगैरह वॉश करते हैं, उसके लिए भी इस्तेमाल किया जाता है. अब इस पूरे प्रोसेस में आप देख सकते हैं कि ये जो सूरज की रोशनी है वो इस पानी को गर्म कर रही है. और सूरज की रोशनी की मदद से हम क्या कर रहे हैं? बहुत सारे काम कर रहे हैं. इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक और जो चीज़ है जो कि सूरज की रोशनी को इस्तेमाल करती हैं, वो है सोलर कुकर्स. कुकर जो है, या अगर हम बात करें तो ये लफ्ज़ निकले हैं कुक से, और कुक कहते हैं बनाने को, तैयार करने को. अब जब ख़ुराक, यानी कि फूड जो है तैयार की जाती है, तो उसके लिए जब सूरज की रोशनी इस्तेमाल की जाती है, तो उसके लिए हम जो चीज़ इस्तेमाल करते हैं वो है सोलर कुकर. यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि सोलर कुकर जो है वो क्या होती है, कि एक लार्ज बहुत बड़ी डिश होती है. और ये जो डिश होती है, ये इस तरह से मौजूद होती है,
कि इसके बीच में एक ख़ास पॉइंट होता है, एक ख़ास नुक्ता होता है जहाँ पे सूरज की रोशनी जो है वो हर जगह से, हर सतह से टकराने के बाद वहाँ पे मौजूद होती है। जैसे कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे जब सूरज की रोशनी इर्द-गिर्द पड़ती है तो जो दरमियान वाला पॉइंट है वहाँ पे सूरज की रोशनी सारी जो है वो आके रिफ़्लेक्ट होके टकराने के बाद यहाँ आती है, और जब वो यहाँ पर आती है तो ऊपर आप देख सकते हैं कि कोई भी जो हमारे पास चीज़ है या बर्थ है, या फिर हम कह सकते हैं जो भी पॉट है वो जिसमें हमने कोई भी फूड जिसको हमने कुक करना है या बनाना है उसको हम एग्जैक्ट उस फोकस पॉइंट के ऊपर रखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल इस फोकस पॉइंट के ऊपर जो है वो हमने ये बर्तन रखा है, और इस बर्तन में जो भी चीज़ मौजूद होगी वो कुक हो जाएगी या तैयार हो जाएगी। अब यही जो डिवाइस है जिसे कहा गया है सोलर कुकर, अगर हम इसकी बात करें तो इसको मुख्तलिफ किस्म के कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि इसको ख़ुराक को तैयार करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, या फिर इसे हम बहुत सारा जो लिक्विड है, जो माया है जैसे कि पानी वगैरह है या दूध वगैरह है, उसकी पेस्चराइजेशन के लिए, यानी कि उसमें पेस्चराइजेशन या पेस्चराइज करना कहते हैं उसमें से जरासीमों को ख़त्म करना। और जरासीमों को किस तरह से ख़त्म किया जाता है, जब भी किसी ड्रिंक को, लिक्विड को बहुत ज़्यादा दर्जा हरारत देते हैं तो उसमें जो जरासीम होते हैं वो मर जाते हैं, और इस अमल को कहते हैं पेस्चराइजेशन। और यही जो सोलर कुकर्स हैं इनको हम पेस्चराइजेशन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सूरज की रोशनी जो है वो सोलर डिस्टिलेशन प्लांट्स में भी इस्तेमाल की जाती है। सोलर डिस्टिलेशन प्लांट्स जो हैं ये कौन से प्लांट्स होते हैं, ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जहाँ पे पानी को बहुत बड़े पैमाने पर, बहुत बड़ी तादाद में जो समंदर का पानी होता है जो कि सी वाटर होता है, जो कि जायके में, टेस्ट में सॉल्टिश होता है, नमकीन होता है, उसको कन्वर्ट तब्दील करते हैं हम आम ड्रिंकिंग वाटर में, क्योंकि आम जो पानी पीने के लिए इस्तेमाल होता है उसमें ज़्यादा नमक नहीं मौजूद होता। और ये जो कन्वर्जन है, ये जो तब्दीली है जिसमें हम समंदर के पानी को इस काबिल बनाते हैं कि हम उसे पी सकें, उसके लिए जो हम प्लांट्स इस्तेमाल होते हैं डिस्टिलेशन के लिए वो भी सूरज की रोशनी को इस्तेमाल करते हैं, यानी कि सोलर एनर्जी जो है इसको इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब है कि बहुत सारे ऐसी डिवाइसेस हैं, ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हम सोलर हीटिंग यानी कि सूरज की रोशनी को इस्तेमाल करते हैं और उससे बहुत सारे काम लेते हैं। और ये सारे क्या हैं, ये सोलर हाउस हीटिंग है, यानी कि एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम सूरज की रोशनी से हरारत पैदा कर रहे हैं और उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने स्टडी किया है सोलर हाउस हीटिंग के बारे में।